नरवाना शहर में कपड़ा व्यापारी से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने व जान से मारने की धमकी के मामले में सीआईए स्टाफ नरवाना की बड़ी कार्रवाई हुई है। मात्र 36 घंटों में मुख्य साजिशकर्ता सहित 4 काबू किए गए हैं। आपको बता दें कि 28 अगस्त को मॉडल टाउन वासी गौतम जैन को पूरे परिवार सहित जान से मारने की धमकी देकर फिरौती मांगी गई थी और वो भी 20 लाख रुपए की। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से प्रभावित होकर हथियार खरीदने के लिए कपड़ा व्यापारी से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी, लेकिन इस मामले में पुलिस ने तत्पर कार्रवाई करते हुए मुख्य साजिशकर्ता सहित 4 लोगों को 36 घंटे में काबू कर लिया है। ये 28 तारीख की घटना है, जो उस दिन हमारे पास लगभग 11:35-40 मिनट के आसपास मेरे पास एक फोन आया कि ऐसे ऐसे एक फिरौती का कॉल आया है। तो मैंने उनको एडवाइस किया कि आप जो है तुरंत अपना एक राइटिंग चौकी में या थाने में जाके स्टेटमेंट दे दीजिए। तो पैरेलल में हमने अपने साइबर सेल और सीआईए को इस पे जो है एसपी साहब को भी इन्फॉर्म कर दिया। उन्होंने तुरंत मुझे डायरेक्शन दी कि सीआईए और साइबर की टीम से हेल्प लेके टीम बनाओ और जो है इस पे लगा दो। इतने में हमने एक FIR भी रजिस्टर कर दी। FIR नंबर जो है 336 था और उसमें 387 और 507 ITC सेक्शंस के अंदर ही FIR रजिस्टर हुई। तो हमारी टीम ने जो है तुरंत जिस नंबर से कॉल आया था, व्हाट्सएप कॉल आई थी, और जिस शॉपकीपर के पास जो व्यापारी है उनके पास आया था, उनके नंबर की CDR और इस नंबर की CDR के साथ साथ इसकी लोकेशन डिटेल्स ली। और उसमें जो है हमें जिसकी ID पे नंबर था वो नरवाना की थी, उनसे हमने तुरंत जो है वहाँ पे जाके रेड की, उनको लिया, उनसे पूछताछ की। तो जिसमें पता लगा कि ये जो फोन पे व्हाट्सएप यूज हो रहा है, ये फोन जो है उनका जो लड़का है जो कि माइनर है, इसलिए मैं नाम नहीं बताना चाह रहे हैं आपको, तो वो यूज करता है। तो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें सामने आई हैं वो हमने छानबीन की, तो इसमें टोटल 4 लोग शामिल थे इसकी प्लानिंग में, इस पूरी वारदात को अंजाम देने में, और वो चारों को हमने काबू कर लिया। फिलहाल वो कहीं भागने की फिराक में थे, आज सुबह ही हमने उनको यहाँ नरवाना जो फ्लाईओवर है उसके पास से अपनी कस्टडी में ले लिया, डिटेंशन में लिया है माइनर्स को। एक इनमें से बालिग है, मेजर जो है संबंधी कुटवाना एरिया का रहने वाला है। बोलना चाहूँगा कि इस तरह के कॉल्स एक्सपेक्टेड हैं कि आएंगे और भी आएंगे, क्योंकि जिस तरह से युवाओं में एक नशे की लत और एक बेरोजगारी फैल रही है, वो गलत रास्ते पे निकल जा रहे हैं, तो आएंगे तो डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। पुलिस सक्षम है इनको जल्दी से सोल्व करने में इस तरह के क्राइम्स को, तो डर खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप आए, हमें योगदान दें, इस बारे में